जगाचा तारणहार तू या विश्वासा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची का मना पुरविता महाद्वारया नगरीचा तू महाद्वारया नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका तू हे गजानन हे गजानन हे गजानन आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्री कृष्ण कैम्चो। कैसे आप लोग? गणपति बाप्पा मोरिया। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भागल में और आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ की सभी बड़ी गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करवाने वाला हूँ। या इस एक वीडियो में आपको कई सारी बड़ी गणेश जी की मूर्ति के दर्शन होंगे। यहाँ पे गोपीपुरा है, गोलवाड़ है, भागल है, सैयदपुर है, सभी एरिया में हम जाने वाले हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट बेगमपुरा सभी जगह की बड़ी गणेश जी की मूर्ति के दर्शन करवाऊंगा और सूरत की सबसे बड़ी गणेश जी की मूर्ति के भी हम दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं आपको सभी जगह के वीडियो दिखाता हूँ और न्यू ईयर से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे कोई वीडियो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले उसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी अच्छे कंटेंट आते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। अभी तक आपने जो मूर्ति देखी वो गोपीपुरा की थी और अब यहाँ से शुरू होने वाले भागल की, भागल डीकेएम की। यहाँ पे ये सभी मूर्तियाँ हैं गणेश जी की और उसके बाद हम लोग जाने वाले गोलवाड़।
तक अभी तक आपने जो दर्शन किए वो सभी भागल के थे, और अभी मैं आपको जो दर्शन करवाऊंगा वो सभी गोलवाड़ के होंगे। राजा विनायक, तू राजा विनायक।
तो यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके गले मंडी में और अभी आप जो गणपति जी के दर्शन कर रहे हैं सभी गले मंडी के। बड़ी गणेश जी की मूर्ति के दर्शन के वो बेगमपुरा के इसमें निर्वाण अखाड़ा यहाँ पे जिस मूर्ति का दर्शन किए वो प्रेम गली की थी। और सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने आपको गोपीपुरा, गोलवाड़, भागल, फिर यहाँ पे बेगमपुरा और अभी प्रेम गली, यहाँ के ऑलमोस्ट हमने सभी बड़ी गणेश जी की मूर्ति कवर किया, साथ में सभी ऑलमोस्ट हमने कवर करने की ट्राई की। लेकिन यहाँ पर इस बार इतनी सारी गणेश जी की मूर्ति हर साल की तरह कि हम सभी तो कवर नहीं कर पाए क्योंकि ये वीडियो भी इतना बड़ा हो गया, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। सभी गणेश जी के रूप भी बहुत सुंदर है और सभी जगह पर अच्छे से